कर्नाटका में बहुजन क्रांति मोर्चा की EVM पट्टाबोर्ड परिवर्तन यात्रा 1 तारीख से शुरू हुई है। आज हम बेलगामी में हैं। ये EVM से ही लोकतंत्र खतरे में है। EVM के जरिए से वोटों की चोरी की जाती है, बेईमानी से चुनाव होता है। ये हमारा ही कहना नहीं है, बल्कि 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट का भी ये जजमेंट है। इसलिए VVPAT सिस्टम लाया, मगर VVPAT सिस्टम लाने के बावजूद भी EVM के साथ 100% VVPAT नहीं लगा रहे, यानी 100% चीटिंग हो रही है। तो हमारा ये परिवर्तन यात्रा इसीलिए चल रहा है कि लोकतंत्र खतरे में है। इसका कारण है EVM में टैम्परिंग होता है, घोटाला होता है, गड़बड़ी होती है, और गड़बड़ी करने का रोल ये BJP कर रहा है और साथ में कांग्रेस उनको सपोर्ट कर रहा है। क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी का कांग्रेस के ऊपर आरोप था कि कांग्रेस ने 2 बार EVM घोटाला किया, अब दोनों सेटिंग करके EVM घोटाला कर रहे हैं। तो इसलिए ये EVM भंडाफोड परिवर्तन यात्रा का आपके शहर में आगमन हुआ है। अभी हमारा अनुभव मंडप से शुरुआत हुआ परिवर्तन यात्रा, अभी आपकी राजधानी बेंगलोर में इसका समापन 29 को होने वाला है। ये ऑल इंडिया में चल रहा है, जम्मू कश्मीर से लेकर केरला तक ये नॉनस्टॉप परिवर्तन यात्रा चल रही है। इसका राष्ट्रीय नेतृत्व बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक माननीय वामन मेश्राम जी कर रहे हैं, और मैं कर्नाटका का सह संयोजक के तौर पर आया हूँ, और जनवरी में भी नेशनल प्रेसिडेंट वामन मेश्राम यहाँ आने वाले हैं। ये है EVM भी चिटिंग है और VVPAT भी चिटिंग है। हमारी डिमांड है जो ठप्पे मारने वाला तंत्र भारत में आना चाहिए। यह मेरा है, यह मेरा है, यह मेरा है।